Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for 11th of September 2019. And 11th of September जो है वो बहुत important तारीख है history में. एक तो 9/11 हुआ था United States में. And India की तरफ से स्वामी विवेकानंद ने एक speech दी थी, famous speech of Chicago in 1893. That was also delivered on 11th of September. तो ये तो हो गई आज के day की history. And आप discussion शुरू करें उससे पहले के लिए कुछ questions हैं. So first question is, consider the following statements about bond challenge. First statement is, India joined the bond challenge in January 2019. Second is, bond challenge is related to restoring the degraded land. Which one of the above statement is oblique are correct? A, one only, B, two only, both one and two, ya fir D, none. Second question is, largest salt producer state of India is A, Gujarat, B, Rajasthan, C, Tamil Nadu, ya D, Madhya Pradesh. Third question is, Article 371D is associated with which state? A, Andhra Pradesh, B, Sikkim, C, Arunachal Pradesh, or D, Goa. तो आप लोग इन तीनों questions का answer करिएगा comment section में. And I am really sorry कि आज जो video है वो बहुत late आया है. And because of certain unavoidable situations, I could not make the video in the morning. So I really apologize for that. I am really sorry for that. Now come to the news discussion. And आज की जो सबसे पहली news है, that is related to जलियांवाला बाग. एंड यहाँ पर एक आर्क बिशप हैं कैंटरबरी जो चर्च है वहाँ के, तो उन्होंने जलियांवाला बाग विजिट किया एंड माफ़ी मांगी. उन्होंने ये बोला कि मैं ब्रिटिश सरकार की तरफ का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, लेकिन आई फील वेरी अशेम्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर मैसेकर इन आवर हिस्ट्री. तो अब हम लोग थोड़ा सा जलियांवाला बाग के बारे में देख लेते हैं. तो जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था. यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे दो लीडर्स के अरेस्ट होने का. कौन से लीडर्स थे वो, इनका नाम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल. एंड 1919 मतलब 100 साल पूरे हुए हैं जलियांवाला बाग के इन 2019, ठीक है. तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, नेक्स्ट ईयर हो सकता है यूपीएससी की नज़र पड़ जाए जलियांवाला बाग के ऊपर. तो अगर दो लीडर्स जिनके लिए प्रोटेस्ट या पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा था वो कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल. एंड बेसिक जो कॉज था इस प्रोटेस्ट का वो था इंट्रोडक्शन ऑफ रॉलेट एक्ट इन मार्च 1919. अब रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था कि एनीवन कुड बी सेंट टू जेल विदाउट ट्रायल. उसी के खिलाफ अपोजिशन था, इसको लेकर के सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल को रॉलेट एक्ट में अरेस्ट किया गया था. एंड पीपल वर अपोजिंग इट एंड एट दैट मोमेंट दे वर अपोजिंग इन द जलियांवाला बाग पार्क विच इज लोकेटेड इन अमृतसर. एंड देयर द जनरल डायर मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर डिसाइडेड टू टेरराइज द पीपल ऑफ अमृतसर इन टू कंप्लीट सबमिशन. एंड जनरल डायर ने वहां पर तब तक गोलियां चलवाई जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई. एंड अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स 1200 पीपल वर किल्ड इन दैट मैसेकर. एंड एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो उनको सर की उपाधि दी गई थी, ही रिटर्न्ड नाइटहुड इन प्रोटेस्ट आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट. एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कमिटी बनाई थी प्रोब करने के लिए जलियांवाला बाग इंसिडेंट में, दैट वॉज हंटर कमिटी. तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो हम लोग ध्यान रखेंगे जलियांवाला बाग से रिलेटेड. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर. एंड यहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो पोल्स होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं, इट इज एक्सपेक्टेड कि दे विल बी हेल्ड बाई मंथ एंड. अब जो ये सितंबर एंड आने वाला है तब तक उम्मीद की जा रही है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के जो चुनाव हैं जम्मू कश्मीर में वो कंडक्ट करा लिए जाएंगे, ठीक है. तो चुनाव तो हर जगह होते हैं बट जम्मू के इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाउ इट शोज कि एक तरह से नॉर्मलसी जो है वो रिटर्न हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ से इस न्यूज़ में. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू इंडिया काउंटर्ड पाकिस्तान स्टेटमेंट्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर एट यूनाइटेड नेशन राइट्स मीट. अब पाकिस्तान जो है वो हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर का इशू उठाया जाए एंड इंडिया को किसी तरह से नीचा दिखाया जाए, ठीक है. अब इंडिया ने जो पाकिस्तान के आर्गूमेंट्स थे कि जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है उसको लेकर के काउंटर किया. इंडिया ने बोला है कि हमको ह्यूमन राइट्स के बारे में बताने से अच्छा है कि पाकिस्तान अपने यहाँ माइनॉरिटीज़ की कंडीशन देखे, उनके यहाँ चाहे हिंदूज हों या क्रिश्चियंस हों या ज्यूज हों या बालूच हों, उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में जो ज़्यादा चिंता करे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा. अब यहाँ पर हम लोग जहाँ पर ये सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं वह उस बॉडी के बारे में देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल. अब ये जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसका काम है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड. यूएनएचआरसी में कितने मेंबर होते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 47 मेंबर्स आर देयर. एंड इनका टेन्यूअर कितना होता है? 3 साल का होता है. हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनएचआरसी का? जेनेवा स्विट्जरलैंड में. एंड कब बना था ये?
15 मार्च 2006 को बना था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। एंड इसमें ध्यान रखेंगे कि अगर एक देश को एक बार मेंबर बना दिया गया 3 सालों के लिए, फिर वो नेक्स्ट टाइम लगातार नहीं बन सकता है, ठीक है। सो इट इज 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स जो है वो किसी भी नेशन को नहीं मिल सकते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। नाउ कम टू नेक्स्ट न्यूज, एंड नेक्स्ट न्यूज जो है हमारी दैट इज रिलेटेड टू छबहार पोर्ट। अब जो ईरान के एम्बेसडर हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया शुड नॉट हैव ज्वाइंड यूनाइटेड स्टेट्स बैन। यूनाइटेड नेशन ने ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे, उसके बाद इंडिया ने क्या किया कि अपना जो ऑयल इंपोर्ट करते थे हम लोग ईरान से उसको बंद कर दिया। अब ये सारे सैंक्शन चाइना, रशिया, टर्की के ऊपर भी लगाए थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, दे फाइंड अल्टरनेटिव रूट्स टू दैट, बट इंडिया हैज स्टॉप्ड इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम ईरान। तो ईरानियन एम्बेसडर ने बोला है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो चबहार पोर्ट के भी पड़ सकता है, एंड उसका जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या जितनी तेजी से चबहार पोर्ट को इंडिया को डेवलप करना चाहिए था वो इंडिया नहीं कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पर चबहार पोर्ट के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा इट इज लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ ओमान। तो एक क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जा सकता है कि चबहार पोर्ट इज लोकेटेड इन, इट इज लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ ओमान एंड इज द ओनली ओशियानिक पोर्ट ऑफ ईरान, ठीक है। द पोर्ट गिव्स एक्सेस टू एनर्जी रिच पर्शियन गल्फ नेशन सदर्न कोस्ट। अब चबहार पोर्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि इसके जरिए हम अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं पाकिस्तान को बाईपास करके, क्योंकि अभी जो हमारा लैंड रूट है वो अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान से जाता है, पाकिस्तान आए गए दिन कोई ना कोई रास्ता निकाल करके उस ट्रेड को रोक देता है। सो इंडियन गवर्नमेंट थॉट कि इसका एक अल्टरनेट रूट निकालना चाहिए, एंड दैट अल्टरनेट रूट वॉज चबहार पोर्ट। तो एक तो अफगानिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, इट विल बूस्ट इंडियाज एक्सेस टू ईरान, द की गेटवे टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दैट हैज सी रेल एंड रोड रूट्स बिटवीन इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। तो एक अफगानिस्तान, दूसरा हमारा ईरान, तीसरा यूरोप एंड सेंट्रल एशिया के साथ भी हमारे कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए चबहार पोर्ट जो है इट वॉज क्रूशियल, ठीक है। इसके अलावा इसका फायदा था, मान लीजिए कि आपसे चबहार पोर्ट के बारे में पूछ लिया जाता है मेन्स में, तो ये सारे फायदे आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद फायदा ये है कि चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है अरेबियन सी में, क्योंकि पाकिस्तान ने गोडार पोर्ट जो है उनका दैट इज डेवलप्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान कंबाइंडली, एंड गोडार पोर्ट इज लेस देन 400 किलोमीटर फ्रॉम चबहार बाय रोड एंड 100 किलोमीटर बाय सी, एंड इंडिया वहां पर अपनी प्रेजेंस रख करके चाइनीज जो प्रेजेंस है उसको भी काउंटर कर सकता है, ठीक है। तो ये एक फायदा है। इसके अलावा जो हमारा इंपोर्ट है आयरन ओर का, सुगर का एंड राइस का, दैट कुड बी ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो जो सुगर, आयरन ओर एंड राइस जो एक्सपोर्ट करना है हमको, डेट कुड बी इंक्रीज। तो ये सारे फायदे हैं हमारे चबहार पोर्ट को डेवलप करने में। एंड एक और फायदा कि जो अब मान लीजिए कि अगर जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां पर हमेशा कोई ना कोई डिस्टर्बेंस चलती रहती है, वहां हमेशा लड़ाई चलती रहती है, तो अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमको अपने सिटीजन्स, बिकॉज अराउंड 7 मिलियन इंडियन वर्क इन दीज गल्फ कंट्रीज, वहां से निकालना पड़ता है, देन चबहार पोर्ट कुड बी वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो ये ध्यान रखेंगे यहां पर हम लोग चबहार पोर्ट के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू ओनम, एंड यहां पर ध्यान रखिएगा ओनम किस स्टेट का मेजर फेस्टिवल है, केरला का, ठीक है। तो ओनम सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है केरला का। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू स्टार्टअप्स। तो यहां पर एक स्टडी हुई है जहां पर यह पाया गया है कि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा स्टार्टअप जो है वो सक्सेसफुल है एंड वो सेटअप किए जा रहे हैं, एंड एनसीआर इज होम टू 10 यूनिकॉर्न्स विथ 1 न्यू यूनिकॉर्न इमर्जिंग ईच ईयर। अब ये यूनिकॉर्न क्या होता है यही आपसे यहां से पूछा जा सकता है, ये स्टडी तो ठीक है पर आपसे यूनिकॉर्न पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि यूनिकॉर्न क्या होता है, ठीक है। यूनिकॉर्न ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, इट इज अ स्टार्टअप कंपनी दैट हैज अ वैल्यू ओवर $1 बिलियन। तो ऐसी स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यू जो है $1 बिलियन से ऊपर की है उसको जो है वो यूनिकॉर्न बोला जाता है। ये टर्म जो है 2013 में एलियन ली ने क्वाइन किया था, ठीक है। दिस टर्म वॉज क्वाइन इन 2013 बाई वेंचर कैपिटलिस्ट एलियन ली, चूजिंग द मिथिकल एनिमल टू रिप्रेजेंट द स्टैटिस्टिकल रेयरिटी ऑफ सच सक्सेसफुल वेंचर्स। क्योंकि स्टार्टअप्स जो हैं वो बहुत रेयरली सक्सेसफुल होते हैं, एंड कोई इतना सक्सेसफुल हो जाए कि उसकी जो वैल्यू है दैट इज ओवर $1 बिलियन, ये तो और ज्यादा मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पौराणिक कथाओं में ही सिर्फ ऐसा होता है। तो इसलिए जो है वो यूनिकॉर्न इसका नाम दिया गया। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर इसके बारे में। नाउ कम टू पेज नंबर 4। एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू गुरु रविदास। एंड अब गुरु रविदास के जो समर्थक हैं वो जहां पर उस रविदास जी का टेंपल था उसको तोड़ा गया वहां पर पूजा करने के लिए वापस जा रहे थे, एंड देवर
स्टॉप्ड। ठीक है, तो अब हम लोग गुरु रविदास के बारे में देख लेते हैं, ये कौन थे। ही वॉज द भक्ति सेंट ड्यूरिंग द 15th-16th सेंचुरी सी। ठीक है, तो कब कब इनका टाइम पीरियड कितना है, 15th-16th सेंचुरी। ही लिव्ड बिटवीन द 15th-16th सेंचुरी एंड ही इज कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट। तो ये भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब इनके जो फॉलोअर्स हैं वो किन किन स्टेट्स में मेनली पाए जाते हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। एंड रविदास वॉज कॉबलर बाई कास्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रविदास बॉस कॉबलर बाई कास्ट। उस टाइम पे क्या होता था मेडिवल इंडिया में, बहुत ज़्यादा कास्ट रिजिडिटीज थी। ऐसे टाइम पे जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट कम्युनिटीज के लोग आते थे, उनको गुरु बनाना या फिर मतलब वो भक्ति मूवमेंट में इतना ज़्यादा रोल प्ले करें, वैसा नहीं हो पाता था। इसलिए एनसीईआरटीज में भी बहुत सारे जो भक्ति सेंट्स हैं उनकी कास्ट डिफाइंड है। जैसे कबीर जो है, ही वॉज वीवर। एक बार यूपीएससी में आपके भक्ति सेंट्स एक साइड में दे दिए गए थे एंड दूसरे साइड में उनकी कास्ट दी गई थी, एंड देन यू वर आस्क्ड टू मैच द फॉलोइंग। तो इसलिए यहां पर बताया जा रहा है रविदास वॉज कॉबलर बाई कास्ट, सिमिलरली रिमेंबर कबीर वॉज वीवर बाई कास्ट, सेन वॉज बार्बर बाई कास्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, एंड ही वॉज द डिसाइपल ऑफ रामानंद। ठीक है, अब रामानंद के ही जो शिष्य थे वो रविदास भी थे, कबीर भी थे, सेन भी थे। ठीक है, भक्ति मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भक्ति का क्या मतलब होता है, इट मीन्स मिस्टिकल डिवोशन टू वन गॉड। एंड भक्ति का जो सीड है, भक्ति का जो बीज है, वो माना जाता है वेदास में, लेकिन एट द वैदिक टाइम, वैदिक काल में भक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया। इट बेकेम पॉपुलर विद द एडवेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म। जब महायान बुद्धिज्म में अवलौकिक बुद्ध की पूजा होने लगी, उसके बाद बुद्ध भक्ति जो है वो हिंदुइज्म में भी प्रोमिनेंट फीचर प्ले करने लगी। अब ध्यान रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भक्ति जो है पहले साउथ इंडिया में पॉपुलराइज हुई, भक्ति नॉर्थ इंडिया में नहीं आई। आजकल ज्यादातर भक्ति और भक्त जो है वो आपको नॉर्थ इंडिया में मिल जाएंगे, बट भक्ति बिकेम पॉपुलर इन द साउथ इंडिया ड्यूरिंग 7th-12th सेंचुरी, बट इन नॉर्थ इंडिया इट बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग 14th-15th सेंचुरी। एंड जो इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स थे वो कौन कौन थे, नामदेव, रामानंद, कबीर, रविदास, सेन, साधना, नानक देव, दे ऑल आर द इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स। इसके अलावा भक्ति सेंट्स ने एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, दैट वॉज द स्प्रेड ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। अब जो लोकल लैंग्वेजेस थी, जैसे हिंदी हो गई, ब्रज भाषा हो गई या पंजाबी हो गई, इनके स्प्रेड में जो इंपॉर्टेंट रोल था वो भक्ति सेंट्स का था, क्योंकि उनकी जो प्रीचिंग्स थी, वो जो प्रीच करते थे, जो अपनी शिक्षाएं देते थे, देवर इन द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, लोगों की जो आम भाषा थी वो उसी में वो प्रीच करते थे। ठीक है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपके सतीश चंद्रा 11th क्लास एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री से ली गई है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, दे कैन ऑल्सो गो एंड रीड इन द रीड अबाउट भक्ति मूवमेंट इन दैट बुक ऑल्सो। नाउ कम टू पेज नंबर फाइव। एंड यहां पर जो है हमारा अभी पंजाब से रिलेटेड एक न्यूज है, एंड 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, एसेंशियली जो है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड न्यूज है। तो अभी न्यूज क्यों है, क्योंकि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 6 MLAs को अपना एडवाइजर नियुक्त कर लिया है। अब सलाहकार नियुक्त करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने उनको जो पर्क्स एंड सैलरीज हैं, दैट वुड बी 5 लोगों को मिनिस्टर एंड 1 को मिनिस्टर ऑफ स्टेट का सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, इसी को लेकर के ये पूरा का पूरा हंगामा है। अपोजिशन पार्टीज आर सेइंग कि दिस इज नॉट द राइट थिंग, दिस इज अ वे टू बाईपास 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये एक तरीका है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को तोड़ने का। अब कैसे तोड़ा जा रहा है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 2003 में आया था, एंड इसमें एक प्रोविजन किया गया था कि किसी भी स्टेट में नंबर ऑफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। तो 15% से ज्यादा टोटल स्ट्रेंथ का आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बना सकते। पहले क्या होता था, हर नेता को खुश करने के लिए या हर MLA को खुश करने के लिए, अगर मुख्यमंत्री का बहुमत नहीं है तो जितने लोगों को मन पड़ा उतने लोगों को जो है वो बना दिया जाता था। ठीक है, मंत्री बना दिया जाता था, तो मंत्री पद जो है वो एक तरह से पंजीरी की तरह बांटा जा रहा था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए वाजपेयी गवर्नमेंट ने 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया था 2003 में, एंड दैट लिमिट वॉज सेटअप एट 15%। ठीक है, तो इसको वायलेट कर रहा है, इसलिए इतना ज्यादा हंगामा मचाया जा रहा है। अब यूपीएससी में आपसे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा जाएगा, तो आई होप यू आर क्लियर कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 15% की लिमिट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड सेट की गई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, अब 5 INLD MLAs को डिसक्वालीफाई किया गया है हरियाणा असेंबली में। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये लॉ जो है, एंटी डिफेक्शन का हिंदी में मतलब है दल बदल कानून। तो ये ऐसे नेताओं के लिए लाया गया था जो इस पार्टी से कूद करके उस पार्टी में चले जाते थे। तो जो इंडियन पॉलिटिक्स में एक टेंडेंसी आ गई थी,
आया राम गया राम वाली कि सुबह कांग्रेस में शाम को भाजपा में, उसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 1985 में लाया गया था एंड इट वाज स्ट्रेंथेंड इन 2003। अब इसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए लाया गया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए लाया गया था एंड 10th शेड्यूल एंड देन इट वाज आल्सो अमेंडेड इन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे मेजरली 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 10th शेड्यूल से रिलेटेड है एंड 10th शेड्यूल इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक, अब कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो हमारी जो पार्लियामेंट होता है या स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं वहां पर तीन तरह के लोग हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोज हु बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। दूसरे ऐसे लोग जो इंडिपेंडेंट हैं। तीसरे ऐसे जो नॉमिनेटेड हैं यानी मनोनीत, जिनको गवर्नर या प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, अब इन तीनों के लिए जो डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशंस है वो अलग अलग हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं तब आपको कब डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगर आप पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं या पार्टी के कहने के बाद भी वोट करने नहीं आते हैं देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, इसके बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के केस में क्या है, अगर आप इंडिपेंडेंट जीते हैं एंड उसके बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। नॉमिनेटेड मेंबर के केस में क्या है कि अगर आप आफ्टर 6 मंथ 6 महीने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं आफ्टर बीइंग नॉमिनेटेड देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो ये तीनों कंडीशंस हैं। अब डिस्क्वालीफाई करने की पावर किसके पास है, दैट इज जो चेयरमैन होता है या प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट हाउस, दैट हैज द पावर। इसका मतलब लोकसभा और जो विधानसभा है हमारी उसमें स्पीकर एंड जो राज्यसभा है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, उस पर जो पावर है डेट इज विद द चेयरमैन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में। इसके अलावा एक्सेप्शन भी है कि कब आप एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में नहीं आएंगे। तो सबसे पहला एक्सेप्शन है कि अगर आप स्पीकर बनने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करते हैं देन यू विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड। सो फर्स्ट एक्सेप्शन इज कि अगर आप स्पीकर या चेयरमैन बनने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करते हैं then you will not be disqualified। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 MPs या MLAs किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाकर मर्ज हो जाते हैं then they will not be disqualified। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आपके कहीं 15 विधायक हैं उसका 2/3 होता है 10 एंड अगर 10 MPs या MLAs जा करके किसी दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं then you will not be disqualified। तो ये है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड न्यूज। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी डेट इज रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है ही वॉज विजिटिंग राजस्थान ताकि राजस्थान की जो डिमांड्स हैं उनको कंसिडर किया जा सके एंड उन्होंने बोला है कि जो आपने डिमांड्स रखी हैं उन पर काम किया जाएगा। तो ये तो हो गई न्यूज। अब यहां पर हम लोग फाइनेंस कमीशन के बारे में देख लेते हैं। फाइनेंस कमीशन जो है वो किस आर्टिकल के अंदर बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये कैसी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कब बनाई जाती है, हर 5 साल बाद बनाई जाती है। कौन बनाता है इसको, प्रेसिडेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आर्टिकल 281 में मेंशन था कि फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन है जिसके अभी अपॉइंट किया गया है उसके चेयरमैन कौन है, एनके सिंह। एंड इसकी रिकमेंडेशंस कब से कब तक वैलिड होंगी, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर्स एंड दे आर ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो रिकमेंडेशंस होती हैं फाइनेंस कमीशन की वो ध्यान रखिएगा, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट मानने के लिए बाध्य नहीं है, दे आर जस्ट एडवाइजरी इन नेचर। तो ये ध्यान रखेंगे, अगले साल जो है प्रीलिम्स आते आते फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस आ जाएंगी, तब आपसे फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो अभी से ही फाइनेंस कमीशन को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, अब इसको रिकमेंडेशन क्या क्या है, इसका फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले ये बताता है कि स्टेट सेंटर और स्टेट्स के बीच में एंड स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में किस तरह से टैक्स का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही है। दूसरा काम है कि सेंटर किस बेसिस पर स्टेट्स को ग्रांट इन एड्स देगा उसको डिसाइड करना। तीसरा है फंक्शन इसका कि किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट्स के जो फंड्स हैं, फाइनेंसेस हैं, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको रिकमेंड करना। फोर्थ है अगर और कोई मतलब कोई और काम अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि फाइनेंस कमीशन को देना चाहिए तो जो काम प्रेसिडेंट देंगे वो काम भी फाइनेंस कमीशन को करना होगा। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के बारे में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे। नाउ कम टू पेज नंबर 6
एंड यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज है, दैट इज रिलेटेड टू दीपोर बिल। अब दीपोर बिल जो है वो रामसर साइट है, ये ध्यान रखिएगा। चिलिका लेक जो है इट वॉज द फर्स्ट रामसर साइट एंड दीपोर बिल इज ऑल्सो अ रामसर साइट। ठीक है, अब रामसर साइट भी आपसे कई बार पूछी जा सकती है, तो इसलिए हम लोग तो ध्यान रखेंगे जब पेपर पढ़ें, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, तो उसमें से आप ऐसी सारी चीज़ों को भी, वन लाइनर्स को भी जरूर अंडरलाइन करते चलें। ठीक है, तो दीपोर बोल कहाँ है, दीपोर बिल कहाँ है, ये असम में है। ठीक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द रामसर साइट। नाउ कम टू पेज नंबर 7, एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू सरदार सरोवर डैम। एंड सरदार सरोवर डैम में जो पानी है वो 136 मीटर से ऊपर बढ़ चुका है, एंड जो टोटल हाइट है सरदार सरोवर डैम की डेट इज 138.6। एंड गुजरात में अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट 114 डैम्स हैव बीन पुट ऑन हाई अलर्ट। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। सरदार सरोवर डैम किस नदी के ऊपर बना हुआ है, नर्मदा रिवर के ऊपर। तो हम लोग थोड़ा सा नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। आई होप कि रिवर्स के बारे में अब हम लोगों ने इतनी बार पढ़ लिया है कि आपको अब रट गई होंगी रिवर्स। नर्मदा जो है इट इज वन ऑफ द लॉन्ग रिवर विच फ्लोज वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। तो नर्मदा के अलावा एक और नदी है बड़ी नदियों में, तापी, जो कि वेस्ट साइड फ्लो होती है एंड एस्चुरी बनाती है। हमारी जो ज्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ईस्टर्न फ्लो होती हैं एंड डेल्टास बनाती हैं। मेजरली इंडियन रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड दे फॉर्म डेल्टास, बट नर्मदा एंड तापी आर द टू एक्सेप्शंस। अब नर्मदा का ओरिजिन कहाँ है, इट इज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। ठीक है, जो लोग एमपीपीएससी देने वाले हैं वो ध्यान रखें कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, फ्रॉम देयर नर्मदा रिवर राइजेज। एंड नर्मदा फ्लोज इन द रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुरा इन द साउथ एंड विंध्यन रेंज इन द नॉर्थ, फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट या फेमस वाटरफॉल है नर्मदा रिवर पे वो कौन सा है, धुआंधार वाटरफॉल। एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हैज बीन बिल्ट ऑन नर्मदा। किन किन स्टेट से फ्लो होती है नर्मदा, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है नर्मदा की, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजल, टेंडोनी, बारना एंड कोलार। इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर, माहेश्वर, बर्गी एंड तवा प्रोजेक्ट, दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ऑन द नर्मदा रिवर। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर नर्मदा एंड सरदार सरोवर डैम के बारे में। नाउ कम टू पेज नंबर 9, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू लिंचिंग। अभी झारखंड में जो है एक तबरेज नाम के इंसान के लिंचिंग हो गई थी एंड उनको बहुत मारा गया था। ठीक है, अब जो भी काम रहा हो या जैसा भी रहा हो, बट यहां पर एक जो हम हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं डेट इज शॉडी इन्वेस्टिगेशन, किस तरह से ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस सही ढंग से नहीं करती है। एंड यहां पर मारने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि पर्सन डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है, तो पहले आप किसी को मारो, उसके बाद अगर वो अस्पताल पहुंच जाए एंड बिकॉज ऑफ डैट उसको हार्ट अटैक आ जाए, तो कारण क्या दिया जाता है कि ही डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। एंड जो जिन लोगों ने मारा पीटा था उनके खिलाफ सेक्शन 302 हटा करके, जिसमें कि कैपिटल पनिशमेंट या फांसी दी जा सकती है, वो हटा करके सेक्शन 304 लगा दिया जाता है। एंड इट इज डेलिबरेट डाइल्यूशन ऑफ द केस। ठीक है, इस तरह से केसेस को जो है वो कमजोर किया जाता है। हमने पहलू खान के केस में भी देखा था कि सेम थिंग हैपेंड, कि पुलिस जानबूझ करके जो है वो केस को वीक करने की कोशिश करती है। तो ये एक चीज जो है, अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में लिखना हो तो इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है एंड किस तरीके से, मतलब जब अपने हिसाब से जो सेक्शंस लगाने होते हैं उनके डिपेंड करते हुए पुलिस उनको जो है वो कंट्रोल करती है या उसको कमजोर करती है केस को। तो ये चीज यहां पर हाईलाइट की गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब इसकी जो सीईओ है वहां, उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को फिर से अप्रोच किया है एंड दिल्ली गवर्नमेंट को बोला है कि आप आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो ज्वाइन करिए। अब दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि ऑलरेडी वो मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं और उनकी जो स्कीम्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा अच्छी हैं एंड इसलिए वो उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में देख लेते हैं। ये प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में लॉन्च की थी एंड इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम टारगेटिंग मोर देन 50 करोड़ बेनिफिशियरीज। तो इसमें कितने लोगों को टारगेट किया जा रहा है, 50 करोड़ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इसमें क्या दिया जाएगा, सरकार क्या प्रोवाइड करेगी, इट विल प्रोवाइड अ कवर ऑफ अप टू ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टेरिशरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखिएगा कि ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये इंडिविजुअल नहीं है, फैमिली को है, ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर किसके लिए, फॉर सेकेंडरी एंड टेरिशरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। तो अब यहीं से आप इसका क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हैं कि एक तरह से, क्योंकि ₹5 लाख आपको हॉस्पिटलाइजेशन के बाद मिलना है तो हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी लोग जो है वो हॉस्पिटल की तरफ भागने लगेंगे एंड दे वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर टू
हॉस्पिटलाइज देम, ठीक है। तो इसको जरिए ये एक क्रिटिसिज्म है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। एंड दिस विल प्रोवाइड कैशलेस एंड पेपरलेस एक्सेस टू सर्विसेज फॉर द बेनिफिशियरी एट द पॉइंट ऑफ सर्विस। अब इसको गवर्नमेंट क्यों लाई है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अचानक से गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं या बहुत ज्यादा गरीब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि लोग पॉवर्टी के नीचे ना जाएं, उनको एक तरह का इंश्योरेंस या सोशल कवर जो है वो दिया जा सके। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में। नाउ कम टू द एडिटोरियल पेज, एंड यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला एडिटोरियल है डेट इज रिलेटेड टू नीड फॉर स्ट्रॉन्गर वर्कर सेफ्टी लॉ, ठीक है। तो अब वर्कर सेफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग लॉ लाना चाहिए, कड़ा कानून लाना चाहिए, ये इस एडिटोरियल में बताया गया है। एंड एडिटोरियल क्यों लिखा गया है, क्योंकि अभी एक पटाखा फैक्ट्री में पंजाब में आग लग गई थी जिसमें 23 लोगों की जान चली गई थी। एंड वैसे भी इंडिया का फैक्ट्री लॉस के मामले में या सेफ्टी ऑफ वर्कर्स के मामले में बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में हमने देखा था कि किस तरह से लाखों लोग मरे थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेफ्टी एंड अदर थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हाईलाइट किया गया कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ी, उस हिसाब से जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए थे वो जो है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किए गए। एंड इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। एंड ऐसे परिवार जो एक ही आदमी के ऊपर निर्भर होते हैं वो पूरी तरह से भूखों मरने लगते हैं। अब एडिटोरियल में हाईलाइट किया गया कि अभी गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस करने के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड लाई है इन द लोकसभा, एंड इट कंबाइंड 13 एग्जिस्टिंग लॉज रिलेटिंग टू माइंस, फैक्ट्रीज, डॉक वर्कर्स, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स। तो इन सारे 13 लॉज को मिला करके एक सेफ्टी के लिए लाया गया है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2019, ठीक है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी, इस कोड की सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है वो ये है कि जो सेफ्टी कमिटीज का फॉर्मेशन था एंड सेफ्टी ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट था और जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को छोड़ दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे कि ऐसी कमिटीज होनी चाहिए या सेफ्टी ऑफिसर्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो है वो गलत बात है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोड ला रही है तो सेफ्टी कमिटीज की तो ऑब्वियसली जरूरत है एंड सेफ्टी ऑफिसर्स की भी जरूरत है। तो इसके लिए स्टेट्स के ऊपर छोड़ने से अच्छा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कोड में ही इसको इंट्रोड्यूस कर दे। तो दिस पॉइंट कुड बी गिवन एज अ क्रिटिसिज्म, ठीक है। अब यहां पर एडिटोरियल में हाईलाइट किया है कि जरूरत है कि ऐसे समय में जो इंडस्ट्रीज जो केमिकल्स से या फिर हार्मफुल प्रोडक्ट्स के साथ डील करती हैं उनके कोड में क्लियरली मेंशन किया जाए कि कितने टाइम तक वो वर्कर्स को रख सकते हैं, कितना एक्सपोजर सही है, ये सारी सेफ्टी जो हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। नाउ कम टू द लीड आर्टिकल, एंड जो हमारा लीड आर्टिकल है डेट इज रिलेटेड टू मीडिया रिपोर्टिंग ऑन जम्मू एंड कश्मीर। एंड यहाँ पर जो ऑथर का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि हमारा जो इंडियन मीडिया है वो पूरी तरह से जो गवर्नमेंट बोल रही है उसको हाईलाइट कर रहा है एंड जम्मू कश्मीर में जो लोगों के साथ गलत हो रहा है या जो कुछ भी गड़बड़ियां हो रही हैं उनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। एंड मीडिया जो है अपनी पेट्रियोटिक ड्यूटी या देशभक्ति समझ रहा है कि वो जो है सिर्फ लोगों का, मतलब जो सरकार बोल रही है वही दिखा रहा है, एंड दिखा रहा है कि कश्मीर में बहुत शांति आ गई है, कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं है, अब कश्मीर एकदम स्वर्ग बन गया है। तो ये सारी चीज़ें इंडियन मीडिया में हाईलाइट की जा रही हैं, लेकिन वहीं जो विदेशी मीडिया है दैट इज हाईलाइटिंग अ एंटायरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि वो दिखा रहा है कि वहां पर बहुत सारी चीजें जो है वो गलत हो रही हैं, ठीक है। अब यहां पर उन्होंने हाईलाइट किया है कि जैसे जो पहला वीडियो ऑफ प्रोटेस्ट आया वो बीबीसी से आया, अल जजीरा से आया, ठीक है। उसके बाद कितने लोग अरेस्ट हुए ये एफपी से पता चला, एपी टाइम, न्यूयॉर्क टाइम से पता चला, ठीक है। माइनर्स अमंग दोस डिटेन्ड ये वॉशिंगटन पोस्ट से पता चला, डिटेन्यूज फ्लोन आउट ऑफ ओवर क्राउडेड जेल्स ये कहां से पता चला, एएफपी से पता चला, ये सब फॉरेन एजेंसीज हैं। फर्स्ट पैलेट इंजरी डेथ ये हफिंगटन पोस्ट से पता चला, सौरा एपिसेंटर ऑफ रेजिस्टेंस ये रूटर्स से पता चला, फर्स्ट बुलेट इंजरी डेथ फ्रांस 24 से पता चला, बीटिंग्स, टॉर्चर ये बीबीसी ने हाईलाइट किया, द इंडिपेंडेंट, हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज ऑफ वुमेन ये ड्यूश वेले ने पब्लिश किया, ठीक है। तो ये सारे प्रूफ्स हैं कि फॉरेन जो मीडिया एजेंसीज हैं वो जो है वो हाईलाइट कर रही है डिफरेंट स्टोरीज, एंड इंडियन मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट उनको बोल रहा है दे आर ड्रमिंग द इन सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड थिंकिंग कि इट इज देयर नेशनलिस्टिक ड्यूटी। अब मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर माना जाता है, ठीक है, डेमोक्रेसी का। आपसे GS2 में पूछा जा सकता है कि वेदर इंडिपेंडेंट मीडिया या फिर या पेट्रियोटिक मीडिया की जरूरत है, ठीक है, डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी में फोर्थ पिलर है अगर, तो उसका काम है कि वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करे, एंड पेट्रियोटिक ड्यूटी मीडिया की ये भी है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है ना वो दिखाएं, ठीक है। अब ज्यादातर लोग, ऑथर ने हाईलाइट किया है यहां पर कि ज्यादातर जो लोगों की बाइट्स दिखाई जा रही हैं कि ये हो गया, वो हो गया, बहुत अच्छा है, वो सारे के सारे लोगों को अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मैंस जो हैं
उनके पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी वाले एरिया में, ये जो पता है कि डिफेंस फोर्सेस आपको वॉच कर रही हैं, तब तो लोग वैसा ही बोलेंगे, ठीक है। तो अब कश्मीर के अगर मीडिया की बात की जाए, तो कश्मीर में 174 डेलीज थी, पत्रिकाएं थी जो डेली छपती थी, अभी कितनी छप रही है, 10 डेलीज आर बीइंग पब्लिश, ठीक है। जर्नलिस्ट को फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं, या जो इस तरह का मतलब जो भी गलत चीजें हैं उनको अपने फोन से डिलीट करें, एंड जर्नलिस्ट आर हैरेस्ड एट सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स। अब ऑथर ने हाईलाइट किया है कि यहां पर जो मीडिया है वो पूरी तरह से एकदम सरकार ने मतलब झुकने के लिए बोला था, एंड वो जो है पूरी तरह से रेंगने लग गया है, एकदम सरकार जो बोलती है वही करता है, ठीक है। अब मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इस टाइम पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही हैं, जिसमें से सबसे पहली स्ट्रेटजी है कि अगर कोई भी मीडिया हाउस गवर्नमेंट के साथ ना दिखे या गवर्नमेंट जो बता रही है उसके खिलाफ बोले तो उसको देशद्रोही बोल दिया जाता है, एंटी नेशनल बोला जाता है। दूसरा स्ट्रेटजी क्या अपनाई जा रही है कि अगर कोई मीडिया हाउस गवर्नमेंट के खिलाफ पब्लिश करता है तो उसको एडवर्टीजमेंट नहीं दिए जाते। अब आप समझिए कि ज्यादातर अखबार जो आपको 3 रुपए के मिलते हैं उसमें पैसा कहीं ना कहीं से तो लगता है, तो वो पैसा एडवर्टीजमेंट के जरिए आता है, एंड गवर्नमेंट जो है वो सबसे बड़ी सोर्स है एडवर्टीजमेंट की, ठीक है। तो अगर एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आएगा तो पत्रिकाएं चल नहीं पाएंगी, अखबारें छप नहीं पाएंगे, ठीक है, जो 3 रुपए 2 रुपए में मिलते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, एंड हेंस दे आर नॉट पब्लिशिंग एनी रिपोर्ट्स विच आर क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा जो टैक्टिक्स अपनाई जा रही है मीडिया को कंट्रोल करने की, वो है अरेस्ट एंड इंटरोगेशन ऑफ एडिटर्स, ठीक है। तो जो एडिटर्स हैं उनको या कि अरेस्ट किया जा रहा है या उनके घर पे सेबी, ईडी, इनके जरिए जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो मीडिया कंट्रोल के ऊपर अगर लिखने के लिए आता है तो आप इन सारी चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सैड पार्ट इज, सबसे दुख की बात यह है कि मीडिया जिससे उम्मीद की जाती थी कि वो इंडिपेंडेंट होगा एंड गवर्नमेंट को एक आईना दिखाएगा समाज का, वो आज सरकार के साथ मिलकर के सरकार की ही भाषा बोल रहा है। इन सारी चीजों को इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है। नाउ कम टू द सेकेंड आर्टिकल, एंड यहां पर जो आर्टिकल है हमारा डेट इज रिलेटेड टू सब टाइटलिंग बींग मैंडेटरी। अब यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है उन्होंने क्या बोला है कि जो बेचारे ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते या फिर जिनको सुनाई नहीं देता, उन लोगों के लिए बोला है कि जो सब टाइटलिंग है डेट शुड बी मेड मैंडेटरी। तो इसको 10% किया गया है बाय 2020, हर साल जो है आपको 10% बढ़ाते चलना है, एंड टारगेट इज टू रीच 50% ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग बाय 2025, ठीक है। अब इसके जरिए ऑथर का कहना है कि इसमें हमारी एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि एवरेज इंडियन जो है वो 3 घंटे 46 मिनट टीवी देखता है डेली, ठीक है। तो अगर उसको सबटाइटल्स वहां पर दिखेंगे तो वो उस चीज़ को पढ़ेगा, एंड इसके जरिए जो उसकी रीडिंग एबिलिटी है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा, एंड इसके जरिए जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 4 ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, डेट विल बी इम्प्रूव्ड। क्योंकि अभी जो ASER का एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है एजुकेशन के ऊपर, उसमें यह पाया गया कि 5th क्लास के बच्चे जो है वो 2nd क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते हैं। तो अगर टीवी में भी लिखा हुआ आने लगेगा तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि इसके जरिए उनकी जो हैबिट ऑफ रीडिंग है, क्वालिटी ऑफ रीडिंग है, डेट कुड बी इम्प्रूव्ड। एंड जो ऐसे डेफ एंड म्यूट लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ही। तो यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल में हाईलाइट की गई हैं। नाउ कम टू द सेकेंड एडिटोरियल, एंड सेकेंड एडिटोरियल जो है हमारा डेट इज रिलेटेड टू US ओपन, एंड रफाल नडाल ने इसको जीता है, उसी से रिलेटेड ये लिखा गया है, उनके जो अच्छी बातें हैं उन्हीं सारी चीज़ों को प्रेस किया गया है, नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस सो वी कैन स्किप इट। नाउ कम टू द ऑपेड पेज, एंड यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है, दिस इज रिलेटेड टू इसरो ऑल्टरिंग द नैरेटिव ऑन चंद्रयान 2 आफ्टर अनसक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ विक्रम, ठीक है। तो ऑथर का यहाँ पे सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है, सेंट्रल सबसे पहले तो ये आर्टिकल किसके लिए लिखा गया है, इसरो के बारे में लिखा गया है। चंद्रयान 2 की लैंडिंग जब फेल हो गई उसके बाद इसरो जो है उसने अलग अलग बातें करना शुरू कर दिया, उसी को लेकर के ऑथर ने हाईलाइट किया है। एंड ऑथर का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये है कि इसरो के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है या इसरो को कोई कुछ गलत नहीं कह रहा है, ठीक है। लेकिन आप जो पहले आप बता रहे थे कि लैंडर जो है वो हार्ट है इस पूरे मिशन का, एंड जब वो लैंड नहीं कर पाए तब आप कहने लगे कि ये सिर्फ 5% ऑब्जेक्टिव था, तो ये एक गलत चीज है। आपको ठीक है, सेटबैक सबको मिलते हैं लाइफ में, सक्सेस एंड फेलियर इज अ पार्ट, बट आप कन्वर्सेशन या बाद में गोल पोस्ट बदल दें ये चीज ठीक नहीं है। यही चीज यहां पर पूरे आर्टिकल में ऑथर ने हाईलाइट की है कि इसरो ने जब शुरुआत की थी तब उन्होंने सबसे पहले यूज किया था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV। अब वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता था तो लोग चिढ़ाने के लिए उसको क्या बोलने लगे थे, सी लविंग व्हीकल, क्योंकि हम जो भी मिसाइल लॉन्च करते थे
वो जाकर के समुद्र में गिर जाती थी, तो उसको सी लविंग व्हीकल बोला गया। बट फाइनली वी वर सक्सेसफुल, हमको हमने बहुत ट्राई किया एंड वी बिकेम सक्सेसफुल। फिर दूसरी जो लॉन्च व्हीकल हमारा आया डेट वॉज ASLV, तो उसका फुल फॉर्म जो रियलिटी में था डेट वॉज ऑगमेंटेड सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पर वो भी इतनी बार फेल हुआ कि लोगों ने उसको कहना शुरू कर दिया ऑलवेज सी लविंग व्हीकल। तो ऐसा लोग बोलते रहे लेकिन इसरो अपना काम करता रहा एंड उसने कभी भी अपना गोल पोस्ट चेंज नहीं किया। बट नाउ दिस टाइम व्हाट हैज हैपेंड कि जब चंद्रयान 2 लैंड नहीं कर पाया तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर जो इसरो चेयरमैन थे के सिवान, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो लैंडर था डेट वॉज अराउंड ओनली 5% ऑफ द मिशन ऑब्जेक्टिव। इसके पहले बता रहे थे कि इट इज हार्ट, मतलब एकदम दिल है और इसी के है। अब यहाँ पर इसरो जब चंद्रयान 2 को स्पेशल बताने के चार कारण दिए थे। सबसे पहला उन्होंने बोला था कि दिस वुड बी द फर्स्ट स्पेस मिशन टू कंडक्ट अ सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है, जो नहीं हुआ। दूसरा उन्होंने कारण दिया था स्पेशल बताने का कि फर्स्ट इंडियन एक्सपीडिशन टू अटेम्प्ट अ लैंडिंग ऑन लूनर सर्फेस यूजिंग होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी, वो भी नहीं हो पाया। तीसरा जो स्पेशल बताया था फर्स्ट इंडियन मिशन टू एक्सप्लोर लूनर टेरेन विथ होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी, वो भी नहीं हो पाया। एंड फोर्थ स्पेशल रीजन वॉज कि इंडिया वुड बिकम द फोर्थ कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून, वो चीज भी नहीं हो पाई। तो इसरो को जो है वो सबसे अच्छी बात यह है कि जो उन्होंने अचीव किया उसको हाईलाइट करना चाहिए, जैसे कि उन्होंने ये अचीव कर लिया है कि क्रायोजेनिक इंजन को वो सक्सेसफुली चला पा रहे हैं, ठीक है, एंड इस सारी चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। एंड इसके जरिए हम ऑलरेडी स्पेस ऑफ पावर्स, हम तो वैसे भी उन चंद देशों में हैं जो इंडिपेंडेंटली किसी की मदद लिए बिना स्पेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी हाईलाइटेड, जो सच नहीं है उसको नहीं बताना चाहिए कि नहीं ये चीज़ नहीं है। तो इसी सारी चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। नाउ कम टू द सेकेंड आर्टिकल, एंड सेकेंड आर्टिकल जो है हमारा डेट इज रिलेटेड टू नवतेज जौहर केस, एंड नवतेज जौहर केस वॉज रिलेटेड टू सेक्शन 377, ठीक है। सेक्शन 377 मीन्स डिक्रिमिनलाइजिंग ऑफ द लेस्बियन इंटर बाइसेक्सुअल एंड इन सब LGBT जो राइट्स थे, जो कुछ भी उसका था उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक साल उसको पूरे हो गए हैं, एक साल पहले इसका जजमेंट आया था। एंड यहाँ पर ऑथर ने हाईलाइट किया है कि इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि अब LGBT या जो ट्रांसजेंडर्स हैं ये अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर पा रहे हो या इनको इक्वालिटी मिल गई हो या ऑटोनॉमी मिल गई हो, अभी हमको और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ट्रांसजेंडर्स लोग जो हैं उनके साथ अभी भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस किए जा रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल हो स्कूल हो, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो इक्वालिटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो स्टैट्यूट है वो लाने की ज़रूरत है। एंड एक ऐसा लॉ लाए सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके जरिए आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है या फिर आप किस में बिलीव करते हैं या आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है उसके बेसिस पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इसी सारी चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। नाउ कम टू पेज नंबर 13। यहाँ पर जो हमारी न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू इंडिया नेपाल रिलेशंस। एंड अभी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, उनके साथ मिलकर के मोतिहारी अमलेखगंज एनर्जी पाइपलाइन शुरू की है, ठीक है। तो इंडिया नेपाल रिलेशंस में आप एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए कि मोतिहारी अमलेखगंज एनर्जी पाइपलाइन हैज़ बीन स्टार्टेड बिटवीन दीज टू कंट्रीज। एंड नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? KP शर्मा ओली, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी डेट इज़ रिलेटेड टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC। अब अभी कल परसों एक बयान आया था पाकिस्तान का कि चाइना जो है वो हमारे साथ है एंड हम CPEC बना रहे हैं ये वो, तो उससे रिलेटेड इंडिया ने चाइना को याद दिलवाया है कि आप ध्यान रखिए कि जो आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं डेट इज़ इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट हैज़ बीन इलीगली ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान। सो इंडिया हैज़ रिमाइंडेड चाइना कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो POK से पास हो रहा है एंड POK जो है वो अभी भी हमारा पार्ट है एंड इट हैज़ बीन इलीगली कैप्चर्ड बाई पाकिस्तान। CPEC के बारे में देख लेते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इट इज़ अ multi-billion-dollar बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। अब इसको किस ग्वाडार पोर्ट जो है पाकिस्तान का डेट इज डेवलप्ड बाई चाइना अंडर दिस CPEC प्रोजेक्ट ओनली एंड दिस ग्वाडार पोर्ट इन साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान विल बी लिंक्ड टू नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जिनजियांग, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि CPEC किन दो पोर्ट्स को लिंक कर रहा है, ग्वाडार इन साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान टू चाइनाज नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ जिनजियांग थ्रू वास्ट नेटवर्क ऑफ हाईवेज एंड रेलवेज, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बस CPEC के बारे में, ग्वाडार पोर्ट टू जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। नाउ कम टू पेज नंबर 15।
यहाँ पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू इंडिया आशियान, एंड अभी जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल वो आशियान मीटिंग अटेंड करने के लिए गए हुए हैं, एंड वहां पर जो हमारा फ्री ट्रेड पैक्ट है आशियान कंट्रीज के साथ इन गुड्स दैट विल बी रिव्यूड, ऐसा बोला गया है, कॉमर्स मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया आशियान फ्री ट्रेड पैक्ट इन गुड्स विल बी रिव्यू। ठीक है, अब हम लोग आशियान के बारे में देख लेते हैं। आशियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, कब बना था ये? 1967 में बना था, एंड इट इज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, अब इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रूनी एंड मलेशिया, म्यांमार एंड सिंगापुर। अब 10 कंट्रीज याद रखने में हो सकता है बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो, तो वो ट्रिक याद कर लें, LCVT, PIB एंड MMS। ठीक है, LCVT, PIB एंड MMS, L फॉर लाओस, C फॉर कंबोडिया, V फॉर वियतनाम, T फॉर थाईलैंड। LCVT, PIB मतलब फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड ब्रूनी, MMS मतलब मलेशिया, मालदीव्स एंड सिंगापुर। ठीक है, सॉरी, मलेशिया, म्यांमार एंड सिंगापुर। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर आशियान कंट्रीज के बारे में, एंड यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है आशियान कंट्रीज के वो कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। एंड इसका एम क्या है, आशियान बनाने का पर्पज़ क्या है? एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, सोशल प्रोग्रेस को बढ़ाना, सोशियो कल्चरल एवोल्यूशन में एक दूसरे की मदद करना, रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, एंड जो तीन कंट्रीज हैं, जो भी 10 कंट्रीज इसके मेंबर हैं उनके बीच में अगर कोई डिफरेंसेस हैं या कोई विवाद है उनको पीसफुली सॉल्व करना। ठीक है, आशियान प्लस थ्री में कौन कौन सी कंट्रीज हैं ध्यान रखिएगा? चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। आशियान वे क्या है? आशियान वे का मतलब है कि कोई भी कंट्री जो है वो किसी दूसरी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर आशियान के बारे में, ट्रिक ध्यान रखिएगा, LCVT, PIB एंड MMS। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू NCLT, एंड यहाँ पर जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं RK सिंह, उन्होंने बोला है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के पैसे नहीं दे रही हैं तो उनके खिलाफ भी जो है वो NCLT में जाया जा सकता है, एंड उनका दिवालिया एंड इसके जरिए वसूली जो है वो की जा सकती है। अब हम लोग NCLT के बारे में देख लेते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के बारे में। ये कब बना था? इट वॉज फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016। अब इसको क्या, किन किन चीज़ों को ये हियर करता है? सबसे पहले तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के जो केसेस हैं उनको डील करता है। इसके अलावा कंपनी लॉ बोर्ड के सामने जो केसेस थे अंडर प्रीवियस कंपनीज एक्ट 1956 उनको डील करता है। इसके बाद बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के जो केसेस थे वो भी डील करता है, एंड अगर किसी कंपनी में ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हो रहा है सो दैट इज ऑल्सो डेल्ट बाई NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसको बनाने की रिकमेंडेशन किस कमिटी ने दी थी? जस्टिस इरादी कमिटी ने। ठीक है, अब एक्ट में जो NCLT एक्ट है उसमें, सॉरी, कंपनीज एक्ट जो है उसमें मेंशन किया गया है कि जैसा गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम लगता है उतने मेंबर्स NCLT में रखे जा सकते हैं, एंड इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या कर रखा है? देर आर 27 मेंबर्स इन NCLT, 17 जुडिशियल मेंबर्स एंड 10 टेक्निकल मेंबर्स। अभी कितनी ब्रांचेस हैं NCLT की? 16। ठीक है, अभी रिसेंटली अमरावती और इंदौर में जो NCLT की ब्रांचेस हैं वो खोली गई हैं। जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। करंट प्रेसिडेंट कौन है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के? जस्टिस MM कुमार। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम लोग NCLT के बारे में। तो ये था आज का न्यूज डिस्कशन, जो क्वेश्चंस पूछे थे आपसे उनके आंसर्स देख लिए जाएं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बोथ 1 एंड 2, इंडिया ज्वाइन द बॉन्ड चैलेंज इन जनवरी 2019 एंड बॉन्ड चैलेंज इज रिलेटेड टू रिस्टोरिंग द डिग्रेडेड लैंड। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया इज गुजरात। गुजरात जो है वो इंडिया का 71% सॉल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। आर्टिकल 371D इज एसोसिएटेड विद आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये था आज का न्यूज डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल। हैव अ ग्रेट डे अहेड।